हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चना आलू की सब्ज़ी बिना टमाटर के। तो चलिए शुरू करते हैं ये रेसिपी। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हम तेल डाल देंगे अपने अकॉर्डिंग, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 बड़े चम्मच भर के यहाँ पे तेल ले लिया है। यहाँ पे हमने इसमें रेड चिल्ली डाल दी है खड़ी। इसमें हम दालचीनी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से चला लेंगे। इसमें यहाँ पे हमने ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा डालने के बाद इसको चला लें अच्छे से। हमने यहाँ पे बारीक कटी हुई प्याज डाल दी है। अब हम इसको पका लेंगे जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। यहाँ पे हमने आलू ले लिया है। मैंने यहाँ पे 2 आलू को बड़े बड़े स्लाइसेस में कट करके डाल दिया है। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पे हमने एक मिक्सी का जार ले लिया है। इसमें हम डाल देंगे प्याज, लहसुन और थोड़ा सा चना हमने जो भिगा के रखा था वो डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से हम पीस लेंगे। हमने यहाँ पे पेस्ट बना करके इसमें डाल दिया है। इसको मिक्स कर लें। हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसमें। इसमें हल्दी पाउडर डाल दें। हम इसको पका लेंगे। आलू जब तक गल ना जाए तब तक इसको पका लें। इसमें हम धनिया पाउडर डाल दिए हैं, रेड चिल्ली पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है हमने। इसमें हमने गरम मसाला डाल दिया है, ज़ीरा पाउडर। अब सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। यहाँ पे हमने चना डाल दिया है। इसमें चना हमने रात भर भिगाने के लिए रख दिया था, आप चाहें तो इसे 2 घंटे पहले भी भिगा सकते हैं। गाइस, आपको जिस हिसाब से ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर लें। हमने पानी ऐड कर लिया है। अब हम इसको ढक के 5 मिनट के लिए पका लेंगे लो फ्लेम पे। ये देखिए, हमने 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे सब्ज़ी को पका लिया था। यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।